वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आज बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप एडमिशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ले रहे हैं तो आपको ये सारी बातें जानना ज़रूरी है। अगर आपका सपना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए, बीएससी या फिर बीकॉम, ये तीनों कोर्स करने का, या फिर आपने एडमिशन ले लिया है, मीन्स कि जो कट ऑफ निकले हैं उतना नंबर आपका है और आपने अपनी फीस टर्मिनेशन वगैरह जो भी है सब कर दिया है, तो आपके लिए यह इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है कि देखिए आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो टोटल अफिलेटेड कॉलेज है उसमें कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं, कौन से कोर्स अवेलेबल नहीं है, यह मैं आपको अपने एक सेपरेट वीडियो के थ्रू बता दूंगी। उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कैसे होती है पढ़ाई, मीन्स कि अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीए, बीकॉम और बीएससी इन तीनों जो कोर्स हैं इसमें अगर एडमिशन लेते हैं तो क्या यह ईयरली एग्ज़ाम होता है या फिर सेमेस्टर वाइज होता है, यह आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए, बीएससी और बीकॉम ये तीन कोर्स करना, तीनों में से कोई भी कोर्स अप्लाई किए हो या फिर करना चाहते हो, तो आपको बता दूं मैं कि यहाँ पे आपका ईयरली एग्ज़ाम होता है। केवल एक कॉलेज को छोड़कर ECC जो है हमारा, इवन क्रिश्चियन कॉलेज, वहाँ पर बीए, बीएससी और बीकॉम ये जो कोर्स होते हैं हमारे, उसका यहाँ पर सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होता है, 6 महीने में एक बार, फिर 6 महीने में एक बार। ठीक है, ये सिर्फ ECC में होता है, बाकी और किसी कॉलेज में नहीं होता। जैसे हमारे JT को देख ले, ISDC, CMP, SS खन्ना, SPM, ADC, जितने भी हमारे कॉलेज हैं अफिलेटेड मेन कैंपस, इन सब में हमारा जो कोर्स है वो ऑनर्स नहीं होता है। केवल ECC में ऑनर्स है, बाकी कहीं पे भी ऑनर्स नहीं है। क्लियर? अगर आपका हर साल तीन सब्जेक्ट रहेगा, जैसे मेरा सब्जेक्ट था एंशेंट हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और हिंदी, मेरा सब्जेक्ट था BA में, आपका थर्ड ईयर तक जाते जाते दो सब्जेक्ट रहेगा, आप इसमें से कोई एक सब्जेक्ट को ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका मन नहीं है एंशियंट हिस्ट्री पढ़ने का तो आप इसे ड्रॉप कर सकते हैं, आपका मन नहीं है हिंदी पढ़ने का तो आप इसे ड्रॉप कर सकते हैं। उसी तरह आपका BSc में होता है जो सब्जेक्ट हमारे बॉटनी वगैरह जो भी होते हैं, मुझे BSc का वैसे कुछ आइडिया नहीं है इसलिए, BCOM के जो हमारे अकाउंट्स होते हैं, बिजनेस लॉ होते हैं, जो भी होते हैं, ये सब जो हमारे होते हैं, इनमें भी आपका तीन तीन सब्जेक्ट रहता है, इसमें से कोई आप एक ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे पढ़ाई होती है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हमारा ऑनर्स नहीं है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में केवल हमारा ईयरली एग्ज़ाम होता है, ECC में हमारा ऑनर्स है और वहाँ सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होता है। इसके अलावा मैं आपको अपने वीडियो के थ्रू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में टोटल कौन कौन से कोर्स किस किस कॉलेज में अवेलेबल हैं, किस कॉलेज में अवेलेबल नहीं है, ये सब मैं आपको अपने वीडियो के थ्रू एक बार फिर से बता दूँगी। मैंने पिछले साल भी आपको ये बताया था, तो जो न्यू बच्चे हैं उनके लिए यह सारी बातें जानना ज़रूरी है। ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप या फिर आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।